हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस 13 के घर में चल रहा है घमासान और ये घमासान देखने को मिला सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज के बीच। इन दोनों का काफी भयंकर झगड़ा हुआ और इसी बीच घर में कुछ ऐसा भी हुआ है जो कि सबकी नजरों से बचा रहा है, लेकिन हम आपके लिए वो बड़ी खबर सामने लेकर आए हैं और शायद ये खबर सिडनास के फैंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। दरअसल अब सिडनास की जोड़ी टूट गई है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह से शहनाज से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे दोस्त तेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, और सिद्धार्थ ने शहनाज से ये भी कहा कि अब मैं तेरे गेम को समझ चुका हूँ, पहले मुझे तेरी चीजें और तेरी बातें बिल्कुल बच्चों की तरह लगती थी, तेरा बचपना लगता था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये शायद तेरा गेम प्लान है। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने शहनाज से ये भी कहा कि हम बिग बॉस 13 के घर से बाहर जाकर अगर होगा तो बात करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों इस मुद्दे पर कोई बात करे भी ना। यानी कि बातों ही बातों में सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज को अब इशारा दे दिया है कि अब वो उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। और एक पिछले एपिसोड में सिद्धार्थ ये भी कह चुके हैं शहनाज से कि वो शो के बाद उनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते हैं, ना ही उनकी शक्ल देखना चाहते हैं। हालांकि अब इन दोनों के रिश्ता टूटने की वजह क्या है ये तो फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है। खबरों की माने तो सिद्धार्थ शुक्ला काफी अपसेट है क्योंकि शहनाज गिल को जब जब मिलता है मौका वो फ्लिप मार जाती हैं। अभी बीते दिनों भी जब गौतम गुलाटी घर के अंदर आए थे तो शहनाज सिद्धार्थ के सामने ही गौतम को लगातार किस करती नजर आ रही थी और ये बात सिद्धार्थ शुक्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब हो सकता है कि यही वजह हो इन दोनों के बीच आई दूरियों की। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।